रात ढलती है, अंधेरा छाता है और दिखाई पड़ती है तो केवल मनहूसियत। कहते हैं कुछ रातें इतनी काली हो जाती हैं कि शायद जिंदगी में वो दोबारा लौट के नहीं आती हैं। मनीष, राखी, ध्रुव और पल्लवी, शायद इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही लिखा था। कहते हैं कि किसी भी चीज के लिए इतनी बड़ी इच्छा मत बना लो कि उसका अंजाम अपनी जान दे करके भुगतना पड़े। चाहत भी इस हद तक नहीं बढ़नी चाहिए कि वह कुछ पाने की इच्छा न रह करके कुछ खत्म करने की इच्छा बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। मनीष और राखी अच्छे दोस्त थे, ये हरदम साथ साथ रहते थे और साथ साथ ही घूमते थे। इनके दो साथी और थे, ध्रुव और पल्लवी। ये दोनों भी जब मनीष और राखी के साथ होते तो खूब मस्ती करते थे। जिस कॉलेज में ये पढ़ते थे वहां की सबसे फेमस गैंग थी इनकी। चारों के चारों थोड़े शरारती भी थे। ये अपने टीचर को किसी न किसी तरह से परेशान किया करते थे। इसके कारण इनको अपने कॉलेज से 3 बार सस्पेंड भी किया जा चुका था। मनीष और राखी का घर तो पास में ही था तो वे कॉलेज के बाद घर लौट आते थे, लेकिन ध्रुव और पल्लवी दूसरे जगह के थे तो वे हॉस्टल में ही रहते थे। आफत तो ये थी कि मनीष और राखी रोज शाम को ध्रुव और पल्लवी के रूम पर पहुंच जाते थे और जबरदस्त मजा करते थे, जिससे बाकी स्टूडेंट बहुत परेशान रहते थे। कभी चारों पल्लवी के रूम में तो कभी चारों ध्रुव के रूम में आफत मचाते ही रहते थे। इनके साथ रहने वालों ने कई बार ऑब्जेक्शन किया तो ये उनको डांट कर शांत करा देते थे और कहते थे कि ज्यादा हल्ला मचाओगे तो तुम्हें भी चैन से रहने नहीं दिया जाएगा, इसलिए बाकी लड़के भी शांत हो जाया करते थे। इनके कॉलेज में इस साल एक न्यू एडमिशन हुआ और जिसका एडमिशन हुआ उसका नाम गौरी था। किस्मत की बात तो ये थी कि वो भी हॉस्टल में ही रहने आई। वो देखने में तो एक एवरेज लड़की के जैसे ही थी, लेकिन कुछ दिन में ही उसने अपना नाम बना लिया क्योंकि वो पढ़ने में व और एक्टिविटीज में बहुत तेज थी। कहते हैं कि जब कोई भी बच्चा पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी तेज होता है तो उसका नेम एंड फेम कॉलेज में बहुत तेजी से फैलता है। कुछ ऐसा ही हुआ गौरी के साथ भी। उसको जो कमरा हॉस्टल में अलाट हुआ था वो भी पल्लवी के जस्ट बगल का कमरा था। पल्लवी अब उससे जलने लगी क्योंकि सभी जूनियर्स हों या सीनियर्स सब गौरी से ही मिलते थे और केवल उसी की बातें किया करते थे, जबकि इसके पहले सभी पल्लवी की ही बातें करते थे क्योंकि पल्लवी भी एक होनहार स्टूडेंट थी। अब पल्लवी का भाव कम हो गया था। उसने ये बात राखी और ध्रुव को भी बताई और कहा कि अगर मौका मिले तो वो गौरी को जान से ही मार देगी। हद तो तब हो गई जब कॉलेज में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित होता है। गर्ल्स रेस में 5 लड़कियों का नाम सामने आता है जिसमें गौरी का भी नाम था। पल्लवी तो हर साल जीतते चली आ रही थी, लेकिन ईर्ष्या ही कहें कि गौरी का नाम देखकर वो भड़क उठी। सबने उसको शांत करवाया और उसने ठान रखा कि वो गौरी को जरूर हराएगी, और वो दिन भी आ गया। और कहते हैं किस्मत भी साथ साथ चलती है और जो बदा होता है वो होता जरूर है। रेस शुरू होती है, 1000 मीटर की दौड़ थी, लेकिन गौरी ने इस रेस को आसानी से जीत लिया। अब तो बात बहुत बिगड़ गई और पल्लवी ने राखी और ध्रुव को बुलाकर कहा
कि वो जहर दे करके गौरी को मार देगी, लेकिन उसने यह भी कहा कि ये बात मनीष को मत बताना, क्योंकि मनीष था तो बदमाश हुआ शरारती, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। राखी और ध्रुव ने पल्लवी को समझाया कि सही वक्त आने दो, सारा मामला देख लिया जाएगा। तभी इंटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भी अब की बार कॉलेज की तरफ से पल्लवी की जगह गौरी का नाम अनाउंस किया जाता है। पल्लवी मन ही मन जलती जा रही थी, इसके कारण उसके अंदर जो प्रतिभा थी वो भी दबती चली जा रही थी। कहते हैं कि यदि आपके अंदर ईर्ष्या भर जाएगी तो आपके अंदर जो भी टैलेंट होगा वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे दबता चला जाएगा। तभी एक दिन चारों ध्रुव के कमरे पर बैठे थे, लेकिन मनीष कुछ परेशान लग रहा था। तभी राखी और ध्रुव ने पूछा कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, इस समय कुछ गुमसुम से रहते हो। तब मनीष ने बताया कि वो शायद गौरी को प्यार करने लगा है, लेकिन उससे कहे तो कहे कैसे। दोनों ने कहा कि यार जाकर साफ साफ बोल दो, क्यों अपने मन में बात लेकर के बैठे रहते हो। तभी पल्लवी उठकर अपने कमरे में चली जाती है और एक काम याद आने के कारण मनीष भी वहां से चला जाता है। ध्रुव और राखी उठकर पल्लवी के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं पल्लवी रो रही थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो पल्लवी ने बोला उस चुड़ैल गौरी ने उसे वैसे ही परेशान कर रखा था, लेकिन अब हद हो गई है। पल्लवी रोते हुए आगे बोली कि वो मनीष को चाहती थी, लेकिन गौरी ने उस पर भी डोरे डाल दिए हैं। उसने ध्रुव और राखी से कहा कि आज वो गौरी को खत्म कर देगी। तब ध्रुव और राखी ने एक साथ कहा कि वो भी उसके साथ हैं, क्योंकि दोनों पल्लवी को बहुत मानते थे और एकदम खास दोस्त थे, तो कैसे उसको अकेले छोड़ देते। तीनों रात होने का इंतजार करने लगे। जब करीब रात के 1:30 बजते हैं तो तीनों उठकर गौरी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। गौरी ने नींद में दरवाजा खोला तो तीनों अंदर घुसकर दरवाजे को बंद कर दिए और पलक झपकते ही ध्रुव ने गौरी का मुंह दबा लिया जिससे कि वो चिल्ला ना सके, और राखी और पल्लवी ने फांसी का फंदा जो कि वो तैयार करके लाए थे गौरी के गले में डालकर छत के छल्ले से फंसाकर गौरी को लटका देते हैं और गौरी की जान चली जाती है। उसके बाद वो ऐसा सीन बना देते हैं कि जैसे गौरी ने सुसाइड किया हो। अगले दिन जब गौरी की लाश कमरे में मिली तो पुलिस ने भी सुसाइड ही माना और केस को क्लोज कर दिया। लेकिन अब शुरू होता है असली खेल। गौरी के मरने के एक दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कपा करके रख दी। ध्रुव रात में अपने कमरे में था, तभी पल्लवी को कुछ काम याद आया और वह उससे मिलने उसके कमरे पर पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। जब उसने दरवाजा खोला और बगल में स्विच को ऑन किया लाइट जलाने के लिए, तो देखा ध्रुव अपना हाथ खुद अपने दांतों से काट काट करके खा रहा था। जब पल्लवी ने ऐसा देखा तो वह वहां पर जम गई, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने बोला ध्रुव। तभी जैसे ध्रुव को होश आया और वह दर्द से रोने लगा और बोला पल्लवी मुझे बचा लो, गौरी मुझे मार डालेगी। तभी उसकी आवाज बदल जाती है और वह फिर बोलता है पल्लवी सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा, मौत तो आकर ही रहेगी, बच नहीं पाओगे।
ध्रुव ने खुद ही अपनी गर्दन मरोड़ दी और एकदम से शांत हो गया। पल्लवी वहां से अपने रूम में भागी और दरवाजा अंदर से बंद करके राखी को फोन मिलाने लगी। तभी राखी उधर से बोला, क्या हुआ पल्लवी, इतनी रात को क्यों फोन किया है, मैं तो सो रहा हूं। पल्लवी बोली, फोन मत काटना, मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूं। बहुत जिद करने पर राखी मान गया और पल्लवी से मिलने आया। पल्लवी ने डरते हुए सारी बात राखी से एक सांस में ही कह डाली और कहा कि ध्रुव मर चुका है। राखी हड़बड़ा जाता है और बोलता है, चलो देखते हैं। और अजूबा तो तब लगा कि जब दोनों ध्रुव के कमरे में गए तो कमरा अंदर से बंद था। राखी ने कहा कि पल्लवी, तुम तो कह रही थी कि दरवाजा खुला है। इतना कहते ही उसने ध्रुव को आवाज लगाई, ध्रुव ध्रुव। तो अंदर से दरवाजा खोलता है और ध्रुव सामने खड़ा था। पल्लवी को काटो तो खून नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। इस तरीके से अगला दिन आ जाता है। आज पल्लवी जब भी ध्रुव को देख रही थी तो ध्रुव एक डरावनी हंसी हंस दे रहा था। और दोपहर में ध्रुव ने पल्लवी से धीरे से फिर कहा, बहुत ही अजीब आवाज में, आज तो तुम मर जाओगी, आखिरी दिन है तुम्हारा। वो वहां से भाग उठी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात में उसने कमरा अंदर से ठीक से बंद किया और चद्दर से मुंह ढककर लेट गई। डर के कारण उसे नींद कहां आने वाली थी। तभी लगभग रात के 1:30 बजे उसने देखा कि एक हाथ दरवाजे के नीचे से अंदर आता है और लंबा होते होते मुड़कर ऊपर दरवाजे की तरफ जाता है और कुंडी खोल देता है। इसी तरीके से दरवाजा खुलता है और सामने ध्रुव एक सड़ा सा चेहरा लिए हुए सामने आता है। वो चिल्लाना तो चाह रही थी लेकिन डर इतना ज्यादा था कि उसके हलक से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तभी ध्रुव बोला उसी डरावनी आवाज में, ध्रुव तो मर चुका है, अब तुम भी मरो, मौत के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ ही जैसे ही वो बोला कि मौत के लिए तैयार हो जाओ, वैसे ही पल्लवी का दुपट्टा उसके गले में अचानक से कसने लगता है और वो सांस भी नहीं ले पा रही थी और धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती हैं और वो मर जाती है। लेकिन उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई रह जाती हैं। सुबह जब बात सबको पता चलती है तो राखी और मनीष भी भौचक्के थे कि अचानक क्या हुआ। वो ध्रुव से पूछने लगे कि क्या हुआ था, तो ध्रुव बोला कि वो तो सो रहा था। पोस्टमार्टम में भी डॉक्टर ने बताया कि किसी चीज को देखकर वो इतना डर गई थी कि इसकी सांसें रुक गई हैं। उसी दिन रात को राखी अपने कमरे में सो रहा था, तभी कोई चीज अचानक से गिरती है और उसकी नींद खुल जाती है। उसने देखा कि सामने गौरी खड़ी थी। वो भी बहुत भयानक लग रही थी। वो उठकर बाहर भागने लगता है और अपने कमरे से बाहर निकल करके अपने माँ बाप के कमरे की तरफ भागता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज तो वो घर में अकेला है, क्योंकि उसके माँ और बाप दोनों के दोनों बाहर गए हुए हैं।
वो आओ देखता है न ताओ, तुरंत घर के बाहर भागता है और डर के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो किसी से कुछ बता भी नहीं सकता था क्योंकि डर था कि कहीं गौरी का केस फिर से रीओपन ना हो जाए। लेकिन उसने मनीष को फोन लगाया और शुरू से लेकर के आखिरी तक की सारी बात मनीष से एक एक लाइन बता डाली और बोला, मनीष मुझे बचा लो। उधर से मनीष की आवाज आती है, तुम लोगों ने ऐसा गलत काम किया है कि मर जाओगे तभी ठीक रहेगा, और फोन काट दिया जाता है। राखी चिल्लाता रहा लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि सुनने वाला तो कोई था ही नहीं। तभी उसे ध्रुव सामने से आता हुआ दिखाई देता है। राखी ध्रुव के पास भागते हुए जाता है लेकिन उसने देखा कि ध्रुव का चेहरा एकदम भयानक था। तभी राखी ने हड़बड़ाहट में मनीष को दोबारा फोन लगाया। मनीष ने फोन उठाया लेकिन राखी कुछ बोल पाता उससे पहले ही ध्रुव ने बोलना शुरू किया और अपनी और पल्लवी की मौत को पूरे विस्तार से बताया और आखिरी में बोला, अब तुम सब जान गए हो कि कैसे ध्रुव और पल्लवी मरी, अब तुम्हारी बारी है। फोन चालू था इसलिए मनीष सब सुन रहा था। हड़बड़ाहट में फोन राखी के हाथ से गिर जाता है लेकिन मनीष को सारी आवाजें सुनाई देती हैं। तभी सड़क पर आती हुई एक बस दिखाई देती है। राखी गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी राखी एकदम से बस के सामने आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सुबह राखी और ध्रुव की बॉडी वहीं सड़क के पास मिलती है। जानने वाले लोग बड़े आश्चर्य में थे कि राखी तो एक्सीडेंट में मरा है लेकिन ध्रुव जो कि कल तक ठीक था यहां मरा हुआ कैसे पड़ा है। इस तरीके से गौरी की आत्मा को शांति मिलती है। इसीलिए कहते हैं ना कि गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों इसी तरीके की हॉरर स्टोरीज और फैक्ट्स को सुनने व देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।